नमस्कार दोस्तों, बीआर हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही आसान और असरदार रेमेडी बताने वाले हैं, जिसके इस्तेमाल से न केवल आपके बाल काले, लंबे, घने बनेंगे बल्कि सफेद होने से भी रुकेंगे। तो चलिए जानते हैं कैसे आप प्याज से अपने बालों को तेजी से बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक प्याज। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। प्याज में हाई अमाउंट में सल्फर पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से बाल झड़ने की समस्या दूर होती है। इसके साथ ही प्याज में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जिसकी मदद से आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा और डैंड्रफ से जुड़ी समस्याएं भी दूर होंगी। उसके बाद आप प्याज के टुकड़ों को मिक्सर में डालकर एक पेस्ट बना लीजिए और इसके बाद इसका जूस निकालने के लिए एक छन्नी की सहायता से प्याज के पेस्ट को दबाते हुए इसका रस निकाल लीजिए। इसमें आप एक या दो चम्मच पानी भी डाल सकते हैं, जिससे आपका प्याज का रस आसानी से निकल सके। प्याज का रस तैयार होने के बाद इसे आप अपने बालों की जड़ों पर लगा लें। रस को लगाने के बाद आप अपने बालों को 5 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें। मसाज करने के बाद इस मिश्रण को आप आधा घंटा यानी कि 30 मिनट तक के लिए ऐसे ही रहने दें। आधा घंटा पूरा होने के बाद आप अपने बालों को शैम्पू से धो लें। आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार प्रयोग करें। इस मिश्रण के प्रयोग से आपकी बालों से जुड़ी समस्याएं, जैसे कि बालों का झड़ना, सफेद होना और डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम दूर होंगी। प्याज का रस के प्रयोग करने का एक दूसरा तरीका भी है। इसके लिए आप एक बाउल में 1 लीटर गर्म पानी डाल दें। अब उसमें 1 या 2 चम्मच प्याज का रस मिला लें। अब इस मिश्रण को बालों को शैम्पू से धोने के बाद इस्तेमाल करें। अगर आपको इसकी स्मेल पसंद ना आए तो आप 1 या 2 घंटे बाद बालों को शैम्पू से धो सकते हैं। इस प्रोसेस को आप वीक में 2 या 3 बार जरूर इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल करने से आपके बाल तेजी से बढ़ेंगे, साथ ही साथ आपके बालों की जड़ें भी मजबूत होंगी। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।